अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है जहां पर Na से आपका B बन रहा है, हूज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व यहां पर आपको दे रखा है, इज एज शोन इन द फिगर। इफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 24, हाफ लाइफ आपको 24 मिनट्स दे रखी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N। तो यहां पर आपको हिंट दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एंड यहां पर 48 मिनट पर ए का कंसंट्रेशन घट रहा है और बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, एंड इस टाइम 48 पे, इस टाइम 48 मिनट पे ए और बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हुआ है। एंड 48 मिनट्स का मतलब गाइस यहां पर हिंट है दो हाफ लाइफ। यस, तो टाइम टी बराबर जीरो पे मान लेते हैं कि ए का अमाउंट कुछ ए नॉट है, ये जीरो है, तो आफ्टर 48 मिनट्स क्या हो जाएगा, लेट सपोज आपका एन एक्स रिएक्ट करता है तो ये एक्स बन जाएगा, तो 48 मिनट पे एक डेटा तो आ गया ए नॉट माइनस एन एक्स जो कि ए का अमाउंट है, ये ए नॉट माइनस एन एक्स आपका एक्स के बराबर होगा, ए नॉट माइनस एन एक्स आपका एक्स के बराबर होगा, ठीक है गाइस। और दूसरी बात, आफ्टर टू हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ के बाद ए लेफ्ट कितना आता था, ए लेफ्ट आता था ए नॉट अपॉन 2 की पावर 2, दैट इज ए नॉट बाई 4, एंड क्योंकि ये और ये बराबर है तो x आपका ए नॉट बाई 4 आ जाएगा, इसे उठा के यहां पर पुट कर देते हैं, सो ए नॉट माइनस एन इन टू एक्स की वैल्यू ए नॉट बाई 4 इक्वल टू x की वैल्यू ए नॉट बाई 4। यहां से क्लियरली आप देख पा रहे हो कि a0 कैंसिल, 1 माइनस n बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4, तो 4 माइनस n इक्वल टू 1 आ जाएगा, सो n बराबर आपका 3 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्लियर है गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।